उन्हें कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते। जेल में है क्या? दिस इज रियली एम्बैरेसिंग। हाँ, आई कांट बिलीव मुझे अपने मम्मी को अपने पापा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल पीएमसी मीडिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे 31 जनवरी को रिलीज हुई सैफ अली खान स्टार मूवी जवानी जाने मन के टोटल 4 दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही साथ दोस्तों बताएंगे इस फिल्म की बजट कितनी है और इस फिल्म को हिट होने के लिए कितना बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन करना है। तो दोस्तों, आप भी अगर रियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबा लें, जैसे ही लेटेस्ट अपडेट डालें आप तक पहुँच जाए सबसे तेज सबसे पहले। दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था नितिन कक्कर, फिल्म के प्रोड्यूसर हैं जैकी वैगनानी एंड सैफ अली खान। दोस्तों, इस फिल्म के मेन स्टार कास्ट में लिखेंगे सैफ अली खान, तब्बू और पुनीत। दोस्तों, पुनीत पहली दफ़ा बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं। दोस्तों, इस फिल्म को लिखा है हुसैन दलाल ने। अगर म्यूजिक की बात की जाए तो इस फिल्म में म्यूजिक दिया है तनिष्क ने। इस फिल्म की रनिंग टाइम है लगभग 115 मिनट। दोस्तों, अगर बात की जाए फिल्म के जर्नर की तो यह फिल्म डार्क कॉमेडी और रोमांस पर आधारित। दोस्तों, अगर बात की जाए फिल्म की मूल रूप से बजट की तो दोस्तों आपको बताते चलें सैफ अली खान की पिछली फिल्में जैसे कि लाल कप्तान, कैफे और बाजार जैसी फिल्में फ्लॉप गई थी, इस बार उन्होंने दूसरे जनरल पर हाथ आजमाया है। दोस्तों, अगर बात की जाए फिल्म की बजट की तो यह फिल्म बनकर तैयार रही है लगभग 25 करोड़ के बजट में, और वहीं इस फिल्म की कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग यानी कि प्रमोशन प्रचारिंग में खर्च किए हैं लगभग 4 करोड़। टोटल फिल्म के बजट होते हैं लगभग 29 करोड़। दोस्तों, अगर बात की जाए इस फिल्म की स्क्रीनिंग के बारे में तो आपको बताते चलें इस फिल्म को इंडिया में रिलीज किया गया लगभग 1200 स्क्रीन पर, वहीं ग्रॉस यानी कि वर्ल्ड वाइज इस फिल्म की स्क्रीन में 250। टोटल इस फिल्म की स्क्रीन होते हैं लगभग 1450। दोस्तों, अगर बात की जाए इस फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो उससे पहले जान लेते हैं इस फिल्म की प्री रिलीज बिजनेस यानी कि अपनी राइट्स बेचकर इस फिल्म ने ऑलरेडी कितने इकट्ठे किए। तो दोस्तों, आपको बताते चलें इस फिल्म की सैटेलाइट राइट्स भी गए थे लगभग 7 करोड़ में, डिजिटल राइट्स भी गए थे 9 करोड़ में। वहीं बात की जाए म्यूजिक राइट्स की, इस फिल्म की म्यूजिक राइट्स भी गए थे लगभग 4 करोड़ में। टोटल इस फिल्म ने रिकवरी कर ली थी लगभग 20 करोड़। दोस्तों, अगर बात की जाए इस फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो फर्स्ट डे इस फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया था लगभग 3 करोड़ 24 लाख का, जो कि काफ़ी लाजवाब है, जो कि काफ़ी बढ़िया कहा जा सकता है। वहीं ग्रॉस कमाया था लगभग 80 लाख के। दूसरे दिन जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिला। दूसरे दिन इस फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया था लगभग 4 करोड़ 55 लाख का, ग्रॉस से कमाए थे लगभग 90 लाख के आसपास। तीसरे दिन संडे और हॉलीडे होने के कारण जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिला। माउथ पब्लिक अच्छी होने के कारण काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला। तीसरे दिन इस फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया था लगभग 5 करोड़ के आसपास, वहीं ग्रॉस कमाया था लगभग 1 करोड़ के आसपास। दोस्तों, इस फिल्म की मूल रूप से बात की जाए चौथे दिन यह फिल्म इंडिया में कलेक्शन कर सकती है लगभग 2 करोड़ 27 लाख का, ग्रॉस से कमा सकती है लगभग 70 लाख के आसपास। दोस्तों, चौथे दिन वाला बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सिर्फ ओका पेंसी के हिसाब से मैंने अपने तरफ से बताया है, जैसे ही इस फिल्म का रियल कलेक्शन आता है आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे तुरंत। दोस्तों, इस फिल्म का टोटल इंडिया वर्ल्ड वाइज 4 दिनों में कलेक्शन होते हैं लगभग 18 करोड़ 50 लाख। कोई बात की जाए फिल्म को हिट होने के लिए कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करना है तो दोस्तों आपको बताते चलें यह फिल्म की बजट है लगभग 29 करोड़। अगर यह फिल्म इंडिया वर्ल्ड वाइज से 45 से 50 करोड़ का बिजनेस कर लेती है तो यह फिल्म आराम से हिट के बगड़ में जा सकती है। तो दोस्तों, क्या लगता है ये फिल्म कितना और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है? जो भी हो अपना अमूल राय जरूर दें। दोस्तों, अगर आप भी रियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों, हमारे चैनल से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।